अभी यहाँ पे एक छोटा सा कंसेप्ट लेते हैं, उसके ऊपर से हमारा एक डेरिवेशन है। सो जो छोटा सा कंसेप्ट है दैट इज व्हाट सेंट्रीपिटल फोर्स एंड सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। सो सेंट्रीपिटल फोर्स बराबर है, यस। अब चलिए सेंट्रीफ्यूगल फोर्स को भी समझ लेते हैं। सो सेंट्रीफ्यूगल व्हाट फोर्स, ठीक है। सो सेंट्रीपिटल फोर्स और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। अभी यहाँ पे क्या होता है, दोनों भी केसेस में जो हमारा पार्टिकल है वो कौन सा मोशन परफॉर्म करता है, सर्कुलर मोशन। तो इस तरीके से हमारा पार्टिकल सर्कुलर मोशन परफॉर्म करता है। बट गाइस वो सर्कुलर मोशन जब परफॉर्म करते रहता है तो उसमें जो फोर्स है वो कहाँ पे एक्ट होता है, ठीक है। तो चलिए इस तरीके से ड्रॉ कर देते सी। तो ये केस में यहाँ पे भी सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहा है और हमारा पार्टिकल यहाँ पे। बट सेंट्रीपिटल फोर्स किसको बोलते हैं, जो हमारा जो फोर्स है वो कहाँ पे एक्ट होता है, टुवर्ड द सेंटर। फोर्स अलोंग रेडियस रहता है बट कहाँ पे एक्ट होता है, टुवर्ड सेंटर। ये केस में क्या होता है, फोर्स अलोंग रेडियस ही रहता है बट कहाँ पे एक्ट होता है, अवे फ्रॉम द सेंटर। क्लियर है, यस, ठीक है। अब जैसे अभी यहाँ पे हम लोग एग्जाम्पल लेते हैं दोनों केसेस में। यहाँ का जो एग्जाम्पल है गाइस, सी यहाँ के लिए एग्जाम्पल क्या होगा, आप एक स्ट्रिंग ले लो, धागा ले लो, उसमें एक छोटा सा पत्थर बांध लो जिसको दगड़ बोलेंगे और इस तरीके से क्या करो उसको घुमाओ, तो क्या करता है, एक सर्कुलर पाथ बनाना चालू करता है, बराबर है, इस तरीके से सर्कल में घूमना चालू करता है। बट हम लोग ने क्या ऑब्जर्व किया, जब हम लोग इस तरीके से घुमाते रहते हैं तो जो हमारा जो प्रेशर है मतलब हमारे हाथ पे फील होता है, ओके, तो हमें उस हिसाब से ताकत देना पड़ता है। मतलब ज्यादा ताकत दिया तो ज्यादा प्रेशर फील होता है, ओके, और कम तो एक क्यों फील होता है, क्योंकि जो हमारा फोर्स है, ओके, वो अलोंग द रेडियस पर टुवर्ड सेंटर आता है। तो इसके लिए उस फोर्स को हम लोग क्या बोलते हैं, सेंट्रीपिटल फोर्स। यस, यहाँ पे जो हमारा फॉर्मूला है दैट इज एफ इज इक्वल टू एम वी स्क्वायर बाय आर, जो कि आगे भी 11th में आपको बताया गया, समझाया गया, बराबर है, यस, ठीक है। अगेन सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का भी सेम फॉर्मूला, बट यहाँ पे क्या होता है गाइस, अवे फ्रॉम द सेंटर, ठीक है, ओके। सो यहाँ पे भी F इज इक्वल्स टू एम वी स्क्वायर बाय आर। इसका आपको डेरिवेशंस वगैरह नहीं पूछने वाला है, जस्ट आपको ये कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए, व्हाट इज द नेम। हाँ, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का हम एग्जांपल ले रहे थे, सेम वही चीज है यहाँ पे। यहाँ पे भी क्या है, फोर्स विच एक्ट्स अलोंग द रेडियस बट अवे फ्रॉम द सेंटर, वो फोर्स जो रेडियस के अलोंग एक्ट होता है बट सेंटर से दूर, अवे फ्रॉम द सेंटर। तो यहाँ पे भी देखिए इसके लिए एग्जांपल क्या है, अभी हम लोग फोर व्हीलर या बस से, हमें ज्यादा बेटर एक्सपीरियंस बस का आता है। तो जब बस ना लेफ्ट टर्न लेता है तो हम कौन से साइड फेंके जाते हैं, राइट साइड में हमारी बॉडी ऐसा बेंड होती है, बराबर है। तो और जब हम लोग राइट साइड में टर्न लेते हैं, राइट साइड में टर्न लेते हैं तो हमारी बॉडी लेफ्ट बाजू में जाती है, ठीक है। तो ये किसके वजह से हार्टन होता है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स से। दोनों की चीजें आपको 10th में भी था और जिसमें भी था, इसमें 11th में भी था, ठीक है। तो ये दो छोटी चीजें पता रहनी चाहिए, खास करके आपको सेंट्रीपिटल फोर्स। सेंट्रीपिटल फोर्स के वजह से क्या होता है कि कोई भी अभी फोर व्हीलर बोलो, टू व्हीलर बोलो, तो जब वो सर्कुलर पाथ पे टर्न लेता है तो वो स्किड होके बाहर निकल जाता है, समझ में आया। ठीक है, अब यहाँ पे हमारा जो डेरिवेशन है वो हम लोग डेरिवेशन लेते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स से, मतलब उस कंसेप्ट को हेल्प, उस कंसेप्ट के हेल्प से हम लोग डेरिवेशन क्या करना है, सॉल्व करना है। सो गाइस जो हमारा नेक्स्ट पॉइंट है दैट इज पॉइंट मास अंडरगोइंग वर्टिकल सर्कुलर मोशन अंडर ग्रेविटी और velocity and tension in the particle or object at different point when performing, okay, when performing which motion, when performing what, circular motion, performing uniform circular motion, ध्यान में रखिए, yes,
इस तरीके से ये है ये एक्चुअली ऐसा रहना चाहिए, बट ठीक है कोई बात नहीं, अपने न्यू सिलेबस के हिसाब से ये दिया है पॉइंट मास अंडरगोइंग वर्टिकल सर्कुलर मोशन अंडर ग्रेविटी, या जब कोई भी ऑब्जेक्ट जब सर्कुलर मोशन परफॉर्म करता है तो क्या इफेक्ट आता है अलग अलग पॉइंट पे वो हमें एक्सप्लेन करना है। सी देखिए यहाँ पे, तो इस तरीके से जो मेरा पार्टिकल है और ऑब्जेक्ट है वो क्या कर रहा है, सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहा है, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, मोशन ठीक है ओके। तो हमें क्या करना है, डिफरेंट डिफरेंट पॉइंट पे, अभी देखिए यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखो तो तीन कंडीशन बनता है, ये देखिए इसको हम लोग टॉप का पोजीशन बोलते हैं, इसको हम लोग बॉटम का पोजीशन बोलते हैं, इसको हम लोग मिडल का पोजीशन बोलते हैं, बराबर है गाइस। सो हम लोग टॉप के पोजीशन को ना क्या कर लेते हैं, उसको हम लोग ने नाम ए दे दिया, क्या नाम दिया है ए, बॉटम के पोजीशन को हम लोग ने क्या नाम दिया है बी नाम दे दिया है, तो ठीक है एक काम करते हैं जैसा हमारे टेक्स्ट बुक में डायग्राम में उसी सब किया, दिस इज द बॉटम का पोजीशन एंड दिस इज द मिडल पोजीशन, तो यहाँ पे उसको डी नाम दिया गया सी, ठीक है। तो इस तरीके से यस हमारा जो पार्टिकल है जो ऑब्जेक्ट है यस वो कौन सा मोशन परफॉर्म कर रहा है, सो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन और एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है यस ओके। अब यहाँ पे उस ऑब्जेक्ट में क्या होगा, कुछ मास रहेगा यस, तो वेट एनर्जी है, तो इस तरीके से सो डाउन साइड डाउनवर्ड डायरेक्शन में हम लोग ये करेंगे, सो यहाँ भी एनर्जी होगी बराबर है। अभी उस स्ट्रिंग में एक्चुअली क्या कर रहा है, सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहा है ना सर, और उसकी जो रेडियस है वो क्या है यहाँ पे आर है, तो चलिए यहाँ से यहाँ तक कंडीशन में आर भी होता हूँ, ठीक है तो आर है। सो सी उस ऑब्जेक्ट का कुछ तो भी मास है, वो डाउनवर्ड डायरेक्शन पे यहाँ पे, अभी यहाँ पे देखिए यहाँ पे वो धागा है स्ट्रिंग है तो वहाँ पे टेंशन भी आएगा, तो इसके लिए हम लोग यहाँ टेंशन भी दिखाएंगे, पॉइंट ए है तो इसके लिए यहाँ पे जो टेंशन आएगा हमारा वो क्या होगा यस, वैसे यहाँ पे भी सी यहाँ पे एम जी हो जाएगा और जो टेंशन रहेगा यहाँ का जो टेंशन है दैट इज टी यस, इसी तरीके से यहाँ पे भी एक्ट होगा मास डाउनवर्ड डायरेक्शन में एम जी, यहाँ पे क्या होगा डाउनवर्ड डायरेक्शन में एम जी बराबर है बैलेंस कर रहा है, और यहाँ पे जो टेंशन रहेगा गाइस सी टेंशन विल बी पॉइंट बी पे टी डी आ जाएगा यस एंड पॉइंट सी पे क्या आ जाएगा टी सी, तो इस तरीके से हम लोग रिजॉल्व कर लेंगे। सी इसको डाउनवर्ड डायरेक्शन में क्यों गाइस, क्योंकि ग्रेविटी उसको खींच रहा है ना, ये भले ही सर्कुलर मोशन परफॉर्म करने दो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में घूमने दो, बट क्या हो रहा है जो ग्रेविटी है अर्थ की वो क्या करती है, तो इसके लिए वेट आता है और वेट का फॉर्मूला क्या है मास इनटू जी ग्रेविटी बराबर है, तो देखिए तीनों। अब यहाँ पे क्या होगा सी जब हमारा ये घूमते हुए जब यहाँ पे जाएगा तो हमें हाथ को फील होता है ज्यादा प्रेशर लगता है ये सर ओके, तो यहाँ पे मतलब हमें यहाँ पे भी फील होता है यहाँ पे भी फील होता है बराबर है, बट यहाँ पे उतना ज्यादा फील नहीं होता है इतना, तो इसके लिए यहाँ पे जो टेंशन रहेगा स्ट्रिंग में टेंशन तो रहेगा बट वो कौन से साइड में डाउन साइड यहाँ पे मतलब सेंटर की तरफ खींचेगा बराबर है, तो इसके लिए देखिए इसका टेंशन इधर डाउन टेंशन में यहाँ का टेंशन टुवर्ड सेंटर, मतलब चारों जगह पे जो टेंशन दिखाया है वो क्या किया है सेंटर की तरफ दिखाया है, समझ में आया, क्योंकि टेंशन मीन्स व्हाट खिंचाव की वजह से यस एक्सटेंशन की वजह से उस स्ट्रिंग में क्या आता है कुछ तो भी ये आता है, कभी कभी देखो हम लोग बहुत फास्ट ये कर रहे हैं तो टूट जाता है मीन्स व्हाट टेंशन वहां पे ज्यादा ये होता है जिसको बेयर नहीं कर पाता है और ब्रेक हो जाता है बराबर है यस ठीक है, तो ये हो गया। अब हमें क्या करना है, हमारा टारगेट क्या है पॉइंट ए बी सी और डी पे मुझे क्या करना है वेलोसिटी भी फाइंड आउट करनी है और टेंशन भी फाइंड आउट करना है, समझ में आया ओके, तो इस तरीके से हमें दो चीजें ढूंढनी है ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग ये करेंगे लिखेंगे सो मैं यहाँ पे लिखूंगा एट अपर मोस्ट पोजीशन, और इसका दूसरा नाम क्या है एट टॉप पोजीशन, एट टॉप पोजीशन या गाइस और करके आप एक और नाम दे सकते हो एट पॉइंट ए सी, देखिए तीनों का मीनिंग सेम है एट अपर मोस्ट पोजिशन
एट टॉप पोजिशन एंड एट पॉइंट ए. क्लियर है? यस, ठीक है. अभी यहाँ पे जो देखिए टेंशन और वेट दोनों एक ही साइड में, बट इनको बैलेंस कौन कर रहा है? तो इनको बैलेंस कर रहा है सेंट्रीपिटल फोर्स. क्लियर है? यस. तो यहाँ पे हम लोग स्टेटमेंट लिखेंगे. ओके, सो लिखेंगे हम लोग यहाँ पे टेंशन, टेंशन एंड एंड वेट बोथ एट डाउनवर्ड डायरेक्शन, एट टुवर्ड डाउन. ओके, दोनों टुवर्ड डाउनवर्ड, डाउनवर्ड विच इज बैलेंस्ड बाय व्हाट? सेंट्रीपिटल फोर्स. सेंट्रीपिटल टेंशन एंड वेट बोथ एट टेंशन एंड वेट एट पॉइंट ए, ऐसे एट पॉइंट ए बोथ एट्स एट्स टुवर्ड डाउन. क्लियर गाइस? यस, ओके. जिसको कौन बैलेंस करता है? सेंट्रीपिटल फोर्स. तो देखिए ये दोनों एक बाजू में और इनको बैलेंस करने वाला कौन है? सेंट्रीपिटल. तो इसके लिए हम हमारा जो यहाँ पे एक्सप्रेशन बनेगा, टी ए मीन्स टेंशन एट पॉइंट ए प्लस एम जी इज इक्वल्स टू एम वी स्क्वायर बाय आर. यस, तो ये हो गया. ठीक है, सो इसको एज अ इक्वेशन वन दे दो. यस, सो टी ए, हाँ यहाँ पे ठीक है, मीन्स वेलोसिटी एट पॉइंट ए. क्लियर है गाइस? यस. बट अभी यहाँ पे क्या होता है, यहाँ से हमारा वेलोसिटी भी मिल जाएगा. ठीक है, सो कैसे मिलेगा देखते हैं. अभी इस पॉइंट पे गाइस क्या होगा? टेंशन जीरो होगा. क्यों होगा? देखो कभी भी जब कोई भी ऑब्जेक्ट घूमते हो ऊपर साइड जाएगा. जस्ट आप एक धागा ले लो, स्ट्रिंग ले लो, उसमें दगड़ बांध लो और इस तरीके से रोटेट करो. तो जब वो ना ऐसा घूमते हुए जब ऊपर जाता है ना, तो आपके हाथ को कम प्रेशर फील होता है, कम ताकत फील होता है, रादर देन जब वो क्या होता है डाउन साइड आता है. क्लियर है? अरे यस. तो यहाँ पे जो टेंशन रहता है वो जीरो रहता है. हम लोग लिखेंगे टेंशन, टेंशन एट पॉइंट ए इज जीरो. ठीक है, सो क्या आ जाएगा आपको? देयरफॉर टी ए इज इक्वल्स टू जीरो. तो ऐसे चलिए इस इक्वेशन को पुट कर दो. सो इसको इक्वेशन वन देके रखो. सो पुट वैल्यू ऑफ व्हाट टी ए इन इक्वेशन वन, बराबर है. सो देयरफॉर क्या जाएगा? जीरो प्लस एम जी इज इक्वल्स टू एम वी ए स्क्वायर अपॉन आर. सो देयरफॉर क्या आएगा? एम जी इज इक्वल्स टू एम वी ए स्क्वायर अपॉन आर सी. अभी देखिए एम और एम क्या हो जाएगा? कैंसल, बराबर है. एम और एम की वैल्यू क्या हो जा रही है? कैंसल हो जाएगी. इस वक्त में क्या जगह? सो देयरफॉर जी इक्वल्स टू वी ए स्क्वायर बाय आर. यस, ठीक है. सो सी, सो अपने क्या मिला? देयरफॉर व्हाट? वी ए स्क्वायर इज इक्वल्स टू जी इंटू आर. सो देयरफॉर यस, चलिए रूट ले लीजिए. सो वी इज इक्वल टू रूट ऑफ जी आर. सो ये अपने को दो चीजें मिल गई. टेंशन एट पॉइंट ए एंड वेलोसिटी एट पॉइंट ए. सो वेलोसिटी पॉइंट ए पे वेलोसिटी क्या हो जाएगी? रूट ऑफ जी आर. और टेंशन क्या हो जाएगा? जी. क्लियर है? यस, ठीक है. अब तो हमें पॉइंट ए का मिल गया, कुछ प्रॉब्लम नहीं. अभी गाइस हम किसके लिए जाएंगे? पॉइंट बी के लिए. ठीक है, अब यहाँ पे देखिए वेट किधर हो रहा है? डाउनवर्ड डायरेक्शन में. और ये कहाँ पे जा रहा है? अपवर्ड डायरेक्शन. मतलब ये देखिए यहाँ पे क्या हो रहा था? दोनों एक. यहाँ पे भी सेंट्रीपिटल फोर्स ही बैलेंस कर रहा है, यहाँ पे भी सेंट्रीपिटल फोर्स ही बैलेंस कर रहा है. यहाँ पे दोनों क्या हो रहे थे? डाउनवर्ड डायरेक्शन में थे, तो दोनों ऐड हो गए. अब यहाँ पे क्या हो रहा है? सी, यहाँ पे क्या हो रहा है? यहाँ पे टेंशन अपवर्ड डायरेक्शन में जा रहा है और वेट डाउनवर्ड डायरेक्शन में जा रहा है, बराबर है. तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? टेंशन में से वेट को सब्ट्रैक्ट करेंगे. यहाँ पे टेंशन ज्यादा रहेगा. यस, तो हम लोग लिखेंगे यहाँ पे
एट पॉइंट बी, ध्यान दीजिए एट पॉइंट बी टेंशन एक्ट्स इन अपवर्ड या वर्टिकली अपवर्ड बोलोगे तो भी चलेगा, एक्ट्स इन वर्टिकली अपवर्ड डिरेक्शन इस एंड वेट एक्ट्स वर्टिकली व्हाट डाउनवर्ड डिरेक्शन, डाउनवर्ड डिरेक्शन, ठीक है, एंड बैलेंस्ड बार सेंट्रीपेटल फोर्स, ठीक है, ओके। सो यहां पे क्या आ जाएगा, सो देयरफॉर टीबी यहां पे टेंशन टीबी माइनस एनजी इज इक्वल टू व्हाट गाइस एमवीबी स्क्वायर अपॉन क्या आर सी, ध्यान दीजिए क्लियर है, यस ओके, ठीक है। सो टीबी माइनस एनजी एमवीबी स्क्वायर बाय आर, तो ये अपने को यहां पे अभी गाइस इसको क्या कर दो यहां पे इसको इक्वेशन, ठीक है, तो ये अपने को क्या मिल गया इक्वेशन, यस होप सबको क्लियर है, ओके। सो ये अपने को क्लियर, अभी यहां पे क्या है गाइस, सी जो मेरा पार्टिकल है ऑब्जेक्ट है वो क्या कर रहा है यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहा है, अब यहां पे क्या हो रहा है सी ये इधर से इधर, तो यहां पे क्या है टेंशन कम है बराबर है और यहां पे पोटेंशियल एनर्जी स्टोर हो जाएगी, क्योंकि यहां पे जो पार्टिकल है कोई भी पार्टिकल ऊपर जाने के बाद ऐसा नीचे आना चालू करता है, यहां पे आगे से बंधा हुआ है, अभी जैसे इस तरीके से आप इस मार्कर को मैं ऐसा ऊपर फेंक रहा हूं सी सी लाइक दैट, तो ये ऊपर तो जा रहा है बट वो नीचे क्यों आ रहा है, क्योंकि यहां से ऊपर जाने के बाद इधर इसकी वेलोसिटी जीरो होती है, यस, और उसके बाद फिर वो ग्रेविटी के एक्ट के वजह से वो डाउन साइड में आना चाहिए, बराबर है। सेम ऐसे यहाँ पे भी होगा, यहाँ पे क्या होगा गाइस, यहाँ पे जो पोटेंशियल एनर्जी रहती है, अभी देखिए यहाँ पे कुछ कितना भी ना फ्रैक्शन ऑफ सेकंड के लिए ना क्यों ना बोलो क्या होता है ऑब्जेक्ट रुकता है फ्रैक्शन ऑफ सेकंड्स के फिर डाउन आता है, मीन्स यहाँ पे थोड़ी देर के लिए पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है स्टोर होती है, और जब वहां से वो नीचे आना चालू होता है तो पोटेंशियल एनर्जी का कन्वर्जन किसमें होना चालू होता है काइनेटिक एनर्जी में। सेम केस यहाँ पे भी होता है व्हेन पार्टिकल इज एट पॉइंट ए, जब मेरा पार्टिकल पॉइंट ए पे है तो इधर से जब डाउन साइड आना चालू होगा तो पूरी पोटेंशियल एनर्जी का कन्वर्जन किसमें हो जाएगा काइनेटिक एनर्जी में हो जाएगा, ठीक है, और यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी सबसे लेस रहेगी और यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी सबसे ज्यादा हो जाएगी, समझ में आया, ओके। तो उस कंडीशन से हम लोग अपने को ये मिलेगा, तो उस कंडीशन से हमें वेलोसिटी एट पॉइंट बी पे मिलेगा, ठीक है, तो हम लोग लिखेंगे व्हेन सी, अब ये कहां से है पॉइंट ए से बी पे मूव हो रहा है, लिखेंगे हम लोग व्हेन पार्टिकल इज मूविंग फ्रॉम पॉइंट ए टू पॉइंट बी, पॉइंट ए टू पॉइंट बी, सो पोटेंशियल या पॉइंट बी बाय लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी, या ठीक है वही आ रहा है, सो या ठीक है कोई बात नहीं वही लिख लीजिए ना, जब पॉइंट ए से बी पे मूव हो रहा है एंड पार्टिकल इज मूव फ्रॉम पॉइंट ए टू पॉइंट बी, सो पोटेंशियल एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू व्हाट काइनेटिक एनर्जी, ठीक है, पोटेंशियल एनर्जी किसमें कन्वर्ट होता है काइनेटिक एनर्जी, तो यहां पे सो मींस
यहाँ की जो पोटेंशियल एनर्जी है दैट इज इक्वल्स टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी. चेंज इन काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगा गाइस? सो पॉइंट बी माइनस पॉइंट ए का काइनेटिक एनर्जी. तो देखिए हमें हम कैसे लिखेंगे, पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल्स टू काइनेटिक एनर्जी एट पॉइंट बी माइनस काइनेटिक एनर्जी एट पॉइंट ए. ठीक है, अब यहाँ पे देखो पोटेंशियल एनर्जी के लिए फॉर्मूला क्या है, एम जी एच, बराबर है. बट इसमें हाइट क्या होगा, ये आर प्लस ये आर, क्या हो जाएगा इस 2R. सो यहाँ पर हम लिखेंगे देयरफॉर एम जी 2R इज इक्वल्स टू यहाँ पे हाफ एम वी बी स्क्वायर माइनस हाफ एम वी ए स्क्वायर इस. ठीक है, अभी मेरे पास यहाँ पे जगह नहीं है, मैं इधर का पार्ट यहाँ लिखता हूँ. सो ये हो गया, बराबर से ध्यान देखिए, इसको लिख लो. ठीक है, सो यहाँ पे देखो क्या क्या कॉमन है, क्या कॉमन है, एम दोनों के कॉमन है, एम बाहर ले लीजिए. सो क्या आएगा, सो विल राइट, सो या हम ऐसा कर सकते हैं, नहीं ठीक, पहले एम कॉमन ले. सो एम जी टू आर इज इक्वल टू क्या आएगा, हाफ एम 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 कॉमन ले, एम इज आउटसाइड, हाफ VB स्क्वायर माइनस हाफ VA स्क्वायर. ठीक है, चलिए मास और मास कैंसिल, सो देयरफॉर 2GR इज इक्वल्स टू हाफ VB स्क्वायर माइनस हाफ VA स्क्वायर. चलिए यहां पे VA स्क्वायर की वैल्यू पुट कर दीजिए. देखिए ये VA की वैल्यू है रूट ऑफ GR, तो VA स्क्वायर क्या है, GR पुट कीजिए. सो देयरफॉर 2GR इज इक्वल्स टू हाफ VB स्क्वायर माइनस हाफ. क्लियर है यस? ठीक है, अब क्या करते हैं, ये टू को भी एक काम करते हैं, हम यहाँ पे ही ले लेते हैं टू कॉमन. ठीक है, ये बचा है, ये देखो वन बाई टू, वन बाई टू है, तो मैं क्या करता हूँ हाफ को बाहर ही लेता हूँ सी लाइन पर. सो जी आर हो जाएगा सी. अब ये वन बाई टू इधर जाएंगे तो इधर एक मल्टीप्लाई होगा, सो लेट फॉर फोर जी आर is equals to vb square minus 1 g r, बराबर ना? Yes. So अब यहाँ पे gr एक बार जो आएगा, so therefore 4 gr plus gr is equals to vb square, so therefore vb square is equals to 5 gr, so therefore vb is equals to root of 5 g r. So see this velocity at point b. So, इस तरीके से अपने को पॉइंट बी पे क्या हो गया, वेलोसिटी मिल गया, बराबर है यस? ठीक है, तो इस तरीके से देखिए हमारा काम यहाँ पे हो गया एट पॉइंट ए. तो हम ऐसे भी लिख सकते हैं सी एट पॉइंट ए यस, और यहाँ के लिए आप क्या लिख सकते हो एट पॉइंट बी, जिसको हम लोग बॉटम पोजिशन पर. क्लियर है यस? ठीक है, तो इसको बराबर से लिख लो. अब गाइस सी पॉइंट बी पे वेलोसिटी मिल गई, ये यहाँ पे क्या हो गया पॉइंट ए पे टेंशन और वेलोसिटी मिल गया. अब यहाँ पे टाइम पॉइंट बी पे वेलोसिटी मिला है, अब पॉइंट बी पे टेंशन, तो हम क्या करेंगे बी बी का वैल्यू इसमें पुट कर देंगे, इसमें इक्वेशन टू में पुट कर देंगे. तो चलिए मैं यहाँ का रफ करता हूँ और यहाँ पे मैं सॉल्व करता हूँ. सो व्हाट विल राइट, टेंशन एट पॉइंट बी, टेंशन एट पॉइंट, कौन सा पॉइंट है, चलो तो इक्वेशन टू में वीबी का वैल्यू पुट कर दो, तो पुट वैल्यू ऑफ वीबी इन इक्वेशन टू, इस इक्वेशन में पुट कर देते हैं. तो चलिए क्या लिखेंगे हम लोग, देयरफॉर टीबी माइनस एमजी इज इक्वल्स टू एम बाय आर, चलो बी बी का रूट ऑफ फाइव जी आर का होल स्क्वायर सी, बराबर है. देखिए मैंने यहाँ पे वी बी की वैल्यू बराबर, चलिए सॉल्व करते हैं. सो क्या लिखेंगे हम लोग, देयरफॉर टी बी माइनस एम जी एम
into 5gr upon r. r r क्या होगा कैंसिल. सो देयरफॉर 2b माइनस mg इज इक्वल्स टू 5mg. सो देयरफॉर pb इक्वल्स टू 5mg प्लस mg. सो देयरफॉर क्या क्या मिलेगा pb इज इक्वल्स टू 6mg. सो यहाँ पे आपको किसी भी तरीके से क्वेश्चन पूछ सकता है. वो लोग बोल सकते हैं वेलोसिटी फाइंड आउट करो एट टॉप पोजीशन और बॉटम पोजीशन, और क्या पूछ सकते हैं फाइंड द टेंशन एट टॉप पोजीशन एंड बॉटम पोजीशन. वेलोसिटी एंड टेंशन भी फाइंड आउट करना बराबर है. अब नेक्स्ट आप लोग जाते हैं. सो अपने को इस तरीके से वेलोसिटी और टेंशन दोनों पॉइंट है. अब हमारा नेक्स्ट टारगेट क्या रहेगा कि पॉइंट सी पे और डी पे क्या वेलोसिटी आएगी और क्या टेंशन आएगी. तो इस तरीके से हमारे सारे पॉइंट्स इसके इनकवर हो जाएंगे. सो चलिए हम लोग नेक्स्ट के लिए इसको बराबर से लिख के लें. ओके देन नेक्स्ट के लिए हम लोग जाएंगे. सी अब हमें क्या कर रहे हैं पॉइंट सी और डी पे फाइंड आउट करना बराबर है. तो क्या लिखेंगे हम लोग वेलोसिटी एट पॉइंट सी इस Then, उसके बाद नेक्स्ट हमारा जो पॉइंट आएगा टेंशन उस. सो अभी गाइस जो हमारा नेक्स्ट है हाँ वेलोसिटी एट पॉइंट डी और सी पे बराबर है. इस सो वहां पे होता क्या है जैसे ध्यान से देखिए. सी जो टोटल एनर्जी एट पॉइंट बी रहती है वो टोटल एनर्जी एट पॉइंट डी रहेगी. समझ में ओके ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी है. तो हम लोग लिखेंगे बाय लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी इस क्या आएगा ना टोटल एनर्जी इस टोटल एनर्जी एनर्जी एट पॉइंट बी इज इक्वल्स टू टोटल टोटल एनर्जी एट पॉइंट डी. और पॉइंट डी और सी का सेम ही रहेगा तो इसके लिए जो यहां पे होगा वही यहां पे होगा. तो इस तरीके से आप देख सकते हैं. अभी गाइस सी सो क्या आएगा देयरफॉर अभी क्या होगा पॉइंट बी पे पोटेंशियल एनर्जी एट बी इस प्लस काइनेटिक एनर्जी एट बी बराबर ना ऐसे लिखते हैं ना यस सर. ओके सो या ठीक है इस तरीके से लिख दीजिए देयरफॉर पोटेंशियल एनर्जी एट बी प्लस काइनेटिक एनर्जी. ठीक है एनर्जी का फॉर्मूला टोटल एनर्जी का वही फॉर्मूला है पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी. सो पोटेंशियल एनर्जी एट बी प्लस काइनेटिक एनर्जी एट बी इज इक्वल्स टू सेम पोटेंशियल एनर्जी एट मैंने डी लिया क्या हाँ ठीक है. सो डी प्लस काइनेटिक एनर्जी एट बी. ठीक है तो हम लोग ने डी सी भी ले सकते हो कोई प्रॉब्लम नहीं दोनों के लिए सेम हो जाएगा. सो अभी यहाँ पे बताइए पोटेंशियल एनर्जी बी पे क्या होगा जीरो रहेगा. तो यहाँ पे क्या आएगा जीरो प्लस काइनेटिक एनर्जी क्या होगा तो हाफ एम वी बी स्क्वायर प्लस डी पे क्या होगा गाइस पोटेंशियल एनर्जी एट डी इस. सो यहाँ पे आ जाएगा पोटेंशियल एनर्जी एट डी पे एम जी डी बराबर है. सो मतलब एम जी एच आएगा पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला वही है ना. तो यहाँ पे रेडियस यहाँ का रेडियस आर ही रहेगा. सो एम जी आर एच पी एफ आर प्लस डी पे हाफ एम वी डी का स्क्वायर. ठीक है सो चलिए क्या आएगा यहाँ पे हाफ एम वी बी का वैल्यू क्या है हमने वी बी के लिए फाइंड आउट किया था. क्या मिला अपने को वी बी VB का रूट ऑफ 5GR ये सब. सो चलिए हम लोग VB का वैल्यू यहाँ पे पुट कर देते हैं. सो रूट ऑफ 5GR का होल स्क्वायर MGR प्लस यहाँ पे क्या आ जाएगा
एम जी आर आ जाएगा, सो ठीक प्लस हाफ एम जी डी का स्क्वायर बराबर है। चलिए सिंप्लीफाई करते हैं, सो देयरफॉर हाफ 5/2 आ गया, यहाँ पे 5/2 हाफ एम इंटू 5 जी आर, ये रूट चला गया, सी एम जी आर यहाँ पे क्या गया हाफ एम वी डी का स्क्वायर सी, तो क्या हो जाएगा 5/2 एम जी आर इक्वल्स टू एम जी आर प्लस हाफ एम वी डी का स्क्वायर, ठीक है एम जी आर इधर आने दो, सो देयरफॉर 5/2 एम जी आर माइनस एम जी आर इज इक्वल्स टू हाफ एम वी डी स्क्वायर, यस। सो अभी सब्ट्रैक्ट कीजिए, यहाँ पे क्या जाएगा सी ये 2 यहाँ जाएगा, सो 5 mgr माइनस 2 mgr अपॉन 2 इज इक्वल टू हाफ एम वी डी का स्क्वायर, यस। सो यस नेक्स्ट वन क्या मिलेगा अपने को, सो 5 mgr माइनस 2 mgr, सो 3 mgr अपॉन 2 इज इक्वल टू हाफ एम वी डी का स्क्वायर, हाफ ऑफ कैंसिल, सो देयरफॉर 3 mgr इज इक्वल टू एम वी डी स्क्वायर सी, एम एम डी कैंसिल, सो देयरफॉर वी डी स्क्वायर इज इक्वल टू 3 gr, सो देयरफॉर वी डी इक्वल टू रूट ऑफ 3 gr, सो सी गाइस, सो अपने को डी पे नहीं है, यस जो हमारा पॉइंट डी पे होगा सेम सी पे भी होगा, तो इसके लिए आप ऐसे लिख सकते हैं आपको वी सी इज इक्वल टू वी डी इज इक्वल टू रूट ऑफ 3 gr, सो सी। सो वेलोसिटी एट पॉइंट सी और डी, जिसको हम लोग मिडल पोजीशन बोलते हैं, कौन सा पोजीशन बोलते हैं भाई, मिडल पोजीशन, यस। अब हमारा जो लास्ट रह गया है वो टेंशन रह गया, टेंशन एट मिडल पोजीशन, सो मैं यहाँ पे हेडिंग डालता हूँ टेंशन एट मिडल पोजीशन, सो दैट इज द लास्ट, यस। सो चलिए टेंशन क्या आएगा, हम लोग टॉप पोजीशंस के टेंशन को क्या कर देंगे, सब्सट्रैक्ट कर देंगे, ठीक है। सो हम इस तरीके से लिखेंगे, अभी हमने दो मतलब पीछे हम लोग ने गाइस दो इक्वेशन देखे, सो यहाँ पे हम लोग लिख देंगे, अभी देखो यहाँ पे टेंशन सबसे ज्यादा किस पे रहेगा, बी पे, सबसे कम कहाँ रहेगा, ए पे, तो जो हमारा मिडल पोजीशन का टेंशन आएगा ये दोनों का सब्सट्रैक्शन आएगा, बी टेंशन एट बी माइनस टेंशन एट ए, तो इसके लिए अभी हम लोग ने बी के लिए कौन सा इक्वेशन दिया था, 2, सो हम इधर लिखेंगे इक्वेशन 2 माइनस इक्वेशन 1, अभी इक्वेशन अभी गाइस इक्वेशन 2 क्या है हमारा, तो इक्वेशन 2 इज टीबी माइनस एमजी, टीबी माइनस एमजी, यस माइनस क्या आएगा टीए, टीए प्लस एमजी इज इक्वल टू, अभी टीबी का क्या था एमवीबी स्क्वायर अपॉन आर माइनस एमवीए स्क्वायर अपॉन आर, बराबर है। चलिए ब्रैकेट ओपन करते हैं, सो देयरफॉर क्या आएगा टीबी माइनस एमजी माइनस टीए माइनस एमजी एस इज इक्वल टू, ये बार एक काम करते हैं एम बाय आर बाहर ले, सो एम बाय आर को कॉमन ले लिया, वीबी स्क्वायर माइनस वीए स्क्वायर, बराबर है, यस। सो देयरफॉर चलिए टीबी माइनस टीए माइनस 2mg इज इक्वल टू एम बाय आर सी, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ वीबी स्क्वायर, तो हम लोग ने वहां पे पीछे अभी आप इक्वेशंस को देखिए, तो वीबी स्क्वायर इज 5gr, ओके, एंड वीए स्क्वायर इज 3 नो नॉट ओनली gr, यस। सो क्या लिखेंगे 5gr माइनस gr, क्लियर गाइस, यस ठीक है। सो ये मिला अपने को, सो नेक्स्ट क्या आएगा, चलो सो देयरफॉर tb माइनस ta इज इक्वल माइनस 2mg इज इक्वल टू m बाय r c इनटू 4gr, तो r और r क्या हो जाएगा कैंसिल, इसके बाद तो मैं आगे लिखता हूं, सो अपने को जो मिलेगा, सो यहाँ पे मैं लिखता हूँ देयरफॉर tb माइनस ta ओके माइनस 2mg इज इक्वल टू 4mg, यस। सो अब ये 2mg उधर जाएंगे, सो देयरफॉर मैं यहाँ पे फाइनली लिख रहा हूँ tb माइनस ta इज इक्वल टू 4mg प्लस 2mg
सब में क्या मिलेगा, therefore P V minus P A equals to what 6mg yes. So इस तरीके से आप कोई एक पूछ सकता है या चार मार्क के लिए आपसे तीनों भी पूछा जा सकता है, ध्यान में रखिए yes. यहाँ पे दिख नहीं रहा तो मैं इसको आगे लिखता हूँ करके, so मैं यहाँ पे क्या लिखूँगा T V minus P A equals to 6mg so C. तो इस तरीके से आपका डेरिवेशन खत्म हो गया. सी डेरिवेशन किसके किसके लिए है, पॉइंट ए बी और ये, दिस इज टॉप पोजीशन, दिस इज मिडल सॉरी बॉटम पोजीशन और ये दोनों मिडल पोजीशन. सो हमें क्या ढूंढना है, वेलोसिटी एंड टेंशन एट ऑल थ्री पोजीशन. ओके मतलब एट टॉप पोजीशन, एट बॉटम पोजीशन एंड एट मिडल पोजीशन. तो ध्यान दीजिए